2024 की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम लगातार रैलियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और वो 2024 को लेकर बेहद गंभीर हैं। पूरी पार्टी की तरफ से तमाम मंत्रीगण हैं और तमाम जो नेता हैं वो सब रैलियों में शामिल हो रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ हम हैं और हवा में आज बात ज़रूर हो रही, लेकिन बात कोई हवा हवा ही नहीं हो रही है, बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, इतनी सारी रैलियां कर दी, 10-10 दिन लखनऊ में नहीं रहे आप, किस तरह का मैसेज है पूरे प्रदेश? 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें चुनाव जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। आम जनमानस जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर बीजेपी को अपना परिवार मानती है और आशीर्वाद कमल के फूल पर देती है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति को प्रदेश के लोगों ने पूरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी ने 2014 में कांग्रेस से गठबंधन किया था, पूरी तरह से परास्त हुए थे। हम लोगों ने 73 से अधिक सीटें जीती थी। 2017 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन कई दलों से था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 325 ऐतिहासिक सीटें जीती थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। कहा जा रहा था सबसे बड़ा जातिगत समीकरण है ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 64 से अधिक सीटें जीत करके ऐतिहासिक रूप से प्रचंड बहुमत की दूसरी बार सरकार बनाई थी। और दो सीटें हम लोगों ने बाई इलेक्शन में जीती थी, रामपुर और आजमगढ़। आप देखेंगे 2022 में 37 वर्षों के बाद किसी भी दल की प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में जिस ढंग से उनके मार्गदर्शन में चुनाव हुआ है, हम लोगों ने ऐतिहासिक दृष्टि से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। अब 2024 में भी हम 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से तमाम बयानबाजियां की गई, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, इंजन टकरा रहे हैं आपस में। कोई फर्क नहीं है, समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है। उनके पास न कथनी है न करनी है, ना उनके पास कुछ जनता के प्रति जवाबदेही है। अपनी शासन काल में गुंडई, अराजकता, दंगों के कारण जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। अब ये तय है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। गठबंधन की राजनीति को प्रदेश की जनता ने पहले ही नकार दिया है। हमारा दावा है भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। एक सवाल ये था कि जिस तरह से अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल अपने आप को कहते हैं उत्तर प्रदेश का, गठबंधन होने जा रहा है बड़ा, और कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से 80 की 80 सीटें हम लोग हराएंगे। गठबंधन का हाल आप जानते हो, ये केवल कुर्सी के लिए हुआ है, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और विपक्षी दल कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए, भारत माता का जो झंडा है वो आसमान की बुलंदियों की ओर लहराए और दुनिया में भारत की मान और प्रतिष्ठा बढ़े, उसके लिए माननीय मोदी जी लड़ रहे हैं। और यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे प्रदेश और देश की जनता है और विपक्षी दलों के साथ लगातार इनका जनाधार खिसक रहा है, अब ये सब हाशिए पर है। ये भी माना जा रहा है कि 2024 को लेकर ही आप लोग जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन कराने जा रहे हैं कि राम के नाम से जो है वो वोट लेंगे, इस तरह के भी आरोप लगा। का भव्य मंदिर तो बन ही रहा है, उसका उद्घाटन एक दिन तो होना ही था और समय के साथ हो रहा है। 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला का भव्य मंदिर लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ राम का नाम ले रहे हैं और गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। हर गरीब व्यक्ति को, आम आदमी को पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, उज्ज्वला गैस योजना में गैस कनेक्शन मिला है, सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन मिला है, पीएम स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उनको आर्थिक मदद दी गई है। हर स्तर पर हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, मुसलमानों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। आज योग दिवस पे देखा गया कि तमाम मदरसों में जो है वो हुआ, मदरसों में ये योग सबको सीखना चाहिए। और जब तक मन, मस्तिष्क और शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होगा, हम बेहतर प्रदेश की, देश की स्थापना नहीं कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका के यूएनओ में आज योग 5:30 बजे करने वाले हैं। अद्भुत नज़ारा होगा जब पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री जी को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करते देख रहा होगा। तो मुसलमानों को जोड़ क्यों नहीं पा रहे आप लोग, लगातार कोशिश कर रहे हैं? मुस्लिम समाज के लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। अभी आपने स्थानीय निकाय चुनाव में देखा, 55 से अधिक स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हमारे चुन करके चेयरमैन और सभासद के रूप में आए हैं और हमने बड़ी संख्या में उन्हें टिकट दिए हैं। और अल्पसंख्यक समाज, पसमादा समाज हमारे परिवार की तरह हैं, उनके जीवन स्तर में भी बदलाव लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मायावती जी की भी आज एक बड़ी बैठक थी, क्या लग रहा है कि मायावती जी को आप लोगों के साथ आना चाहिए? नहीं नहीं, वो सबको अपना हक है, सब लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें क्या मतलब? नहीं, ये लोग मान रहे हैं, जो विपक्ष के कांग्रेस के लोग हैं और जो समाजवादी पार्टी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि विचारधारा आजकल कुछ मिल रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं। एक आपके दोस्त हैं ओम प्रकाश राजभर, बड़ा चर्चा है कि आजकल आप लोगों से नजदीकियां बहुत बढ़ रही है, आ रहे हैं 2024 में साथ, पहले से हमारे साथ हैं, लेकिन गठबंधन की बात नेतृत्व तय करेगा। तो गठबंधन की बात वही करेगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये आजकल समाजवादी पार्टी को बहुत जो है वो अपनी जबान में भला बुरा कह रहा है और आपकी तारीफें भी कर रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ उनका पहले गठबंधन रहा है, उसकी पीड़ा उनके मन में है, उसका उन्होंने व्यक्त किया होगा, लेकिन हमारे पुराने मित्र हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके कुछ साथी नाराज भी हैं ओम प्रकाश राजभर के आने से, दबी जबान कुछ कह नहीं पा रहे हैं, संजय निषाद वगैरह? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, हम लोग सबको साथ लेके चल रहे हैं। एक सवाल और था कि आप लोग लगातार इस तरह से मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का रथ है वो भी चालू हो गया है। उनका रथ बुरी तरह से फेल है और जब वो सरकार में थे, जिस मर्सिडीज बेंज रथ को लेकर चले थे वही पंचर हो गया था, आपको भूल गए, वो क्रेन से उठ कर के गया था, वही पंचर रथ को लाने वाले हैं, उनके रथ को उसी समय जनता ने नकार दिया था। आपने आज स्पीच दिया, उसमें तमाम बातें कही कि गुंडे मवाली इसकी सरकार थी, 10-10 राइफलें बंदूकें लेके चलते थे लोग, अब भयमुक्त हो गया है प्रदेश, तो इसी तरह से और भयमुक्त आगे करते रहे। लगातार उत्तर प्रदेश में कानून का शासन और मजबूत होगा, कानून को लेकर। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि कचहरी में हत्या हुई जा रही है, कभी जो है वो जो भी घटनाएं हुई हैं आपसी वैमनस्यता में, हमने इनको चुनौती माना है और हर घटना का पर्दाफाश होगा और एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। किसी तरह के गठबंधन से घबराने वाले नहीं? कोई घबराने वाले नहीं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 80-80 जीतेंगे। 80-80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, तमाम नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अभी चुनाव की डेट भी निर्धारित नहीं हुई, लेकिन जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप जो है वो मौजूद हैं, डिप्टी सीएम त्रिपुरा के रहे हैं विष्णु जी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, पूरे देश में आप जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? मैं तो आया उन्हों आज देख रहा हूँ, विजय जी का बहुत जनप्रियता है, सब पहचानते हैं उनको, मुझे मालूम पड़ा वो सांसद थे इधर, और माहौल तो बहुत अच्छा है यूपी में। तो हम नॉर्थ ईस्ट में प्रेरणा लेते हैं यूपी से, मोदी और योगी का जोड़ी जो उन्नति कर रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में इससे प्रेरणा लेते हैं। तो इधर अब गठबंधन हरदम होते हैं, लोकसभा के पहले सब टूट जाते हैं, तो उस कुर्सी की लड़ाई विजय जी बोल रहे हैं, कुर्सी लेके खिंचातानी होते रहते हैं, होता नहीं है ये बात। लेकिन देखने को मिली है कि कर्नाटक में जब से जीत कांग्रेस को हासिल हुई है, कहीं ना कहीं उनके हौसले ज़्यादा बुलंद नज़र आ रहे हैं। देखिए, इंग्लिश में बात है, वन स्वॉलो डज नॉट अ स्प्रिंग, एक पक्षी से क्या बोलते हैं बसंत नहीं आता है, ऐसा नहीं, एक जीत हार जीत होता है डेमोक्रेसी में, एक चुनाव हार गए एक चुनाव जीतेंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव तो ऐतिहासिक होंगे इस बार। इस बार इतिहास रचेंगे आप? एकदम इतिहास रचेंगे हम लोग इस बार, क्योंकि मोदी जी अब भारत के बीजेपी के नेता है, ही इज ऑल्सो वर्ल्ड लीडर भी बन गए हैं, तो ये तो कोई माने या ना माने सारा विश्व मानता है। तो ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और त्रिपुरा के पूर्व डिप्टी सीएम थे जिष्णु जी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर इसी बात को कहा कि आने वाले समय में हम एक बड़ी जीत हासिल करेंगे और पिछली बार का जो रिकॉर्ड होगा वो शायद इस बार टूटता हुआ नजर आए। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।